की जन कल्याण नीतियों को असरदार। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। पावटा कस्बे में रविवार को स्कूटी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में प्रदेश के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव समेत अन्य जनप्रतिनिधि के बतौर अतिथि शिरकत की। करीब 50 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र यादव ने कहा कि दिव्यांगों को स्कूटी मिलने से इनका हौसला बढ़ता है। उनमें हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की ललक रखनी चाहिए। स्कूटी मिलने से उन्हें आने जाने में सुविधा मिलेगी। प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम जो कुछ बोलते हैं भगवान उन्हें देखता है। सत्य की हमेशा विजय होती है। वो अशोभनीय एक जिम्मेदार आदमी जो जिम्मेदार पद पर है उसे इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूरतगढ़ को राज्य का 51वां जिला बनाने की मांग को लेकर सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति के क्षेत्र की सामाजिक धार्मिक राजनीतिक संस्थाओं के साथ विभिन्न संगठनों का समर्थन निरंतर प्राप्त हो रहा है। इसी कार्यक्रम में आज एमईएस कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा समर्थन दिया गया। एमईएस कर्मचारी एसोसिएशन की केंद्रीय राज्य कार्यकारिणी सदस्य लीलाधर शर्मा, अध्यक्ष कमरुद्दीन उपस्थित रहे। सूरतगढ़ जिला बनाओ अभियान समिति के तत्वाधान में सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर शहर के मुख्य चौराहे महाराणा प्रताप चौक पर धरना 41वें दिन भी जारी रहा। संस्था अध्यक्ष योगेश स्वामी, श्री अमरनाथ लंगर सेवा समिति अध्यक्ष किशन लाल स्वामी, मनोनीत पार्षद विक्रम वाल्मीकि व शिक्षक संघ की ओर से बंशीलाल खोड़ कार्मिक अंशन पर बैठे। आबू रोड में राज्यसभा सांसद आदरणीय नीरज डांगी व खानपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार अंजलि निंबालकर के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा में कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ विशाल जनसभा को संबोधित किया। सांसद डांगी का राष्ट्रीय स्तर पर ग्राफ्स बढ़ता जा रहा है। डांगी कई राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी भी रह चुके हैं। जोधपुर में आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जोधपुर पहुंचे। बेनीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरएलपी धरना दे रहे पहलवानों के साथ खड़ी है। आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने संभाग स्तर पर इसके बारे में ज्ञापन भी दिया। सिवाना कस्बे में मेली रोड स्थित पुलिस थाना परिसर के आगे पशुओं के पानी पीने के लिए पशु खेली का निर्माण कार्य थानाधिकारी नाथू सिंह ने किया। थानाधिकारी ने बताया कि भीषण गर्मी के पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटके नहीं, इसके लिए संस्था द्वारा पशु खेली का निर्माण किया गया। चिपापड़ोद में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर केलखेड़ी के सभागार में वार्षिक परीक्षा परिणाम व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य हरि सिंह गोचर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिनेश भार्गव मां शारदे के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित व दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य
मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में बताया कि देश को स्वतंत्र हुए 76 वर्ष हो गए, जिस दौरान जीवन मूल्यों से युक्त शिक्षा की अनुभूति की गई उसे विद्या भारती शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित किया। में माउंट आबू में पिछले 3 दिन से माउंट आबू के मौसम में हो रहे बदलाव के तहत कई बार ओलावृष्टि व बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शनिवार को भी अलग अलग कई स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। गुरुवार व शुक्रवार को बारिश व ओलावृष्टि से किसानों के खेतों में कटी हुई गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब हो गई। गोवा गांव में हेटमजी सहित कई ग्रामीण इलाकों में अधिक नुकसान हुआ। हेटमजी के किसान देवी सिंह ने बताया कि उन्हें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल 2 दिन पूर्व भी काट कर खेत में रखी थी। साथ ही दूसरी दिन थ्रेसर से गेहूं निकलवाने वाले थे, लेकिन 2 दिन से हुई बारिश व ओलावृष्टि से सब कुछ नष्ट हो गया। किसानों ने अब राज्य सरकार से सर्वे करवाकर मुआवजा दिलाने की मांग की। इतना ही नहीं, लगातार 2 दिन से बेमौसम हो रही बारिश से किसानों के गेहूं व सब्जी की फसलें खराब हुआ। प्रतापगढ़ में वोटरों को मनाने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ जिले के नगरपालिका में ज्यादातर सीटें आरक्षित होने के बाद भी टिकट में किया गया फेरबदल। ब्राह्मण समाज को मनाने के लिए भाजपा के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद चलकर प्रतापगढ़ आना पड़ा। इसका कितना असर पड़ेगा तो आने वाला परिणाम बताएगा। नगरपालिका प्रत्याशी हरि प्रताप के समर्थन में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जनसभा। सियासी गर्मी को ठंडा करने के लिए इंद्रदेव भी मैदान में उतरे। मध्य प्रदेश में मीडिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जयंत ठाकरे भोपाल एक दिवसीय खंडवा प्रवास के तहत नगर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश के पत्रकारों के पर फर्जी शिकायतों पर बने केसों को वापस ले जाने की मांग भी की है। सभी मीडिया कर्मियों को एकजुट होकर अपने मीडिया साथियों का सहयोग करना चाहिए। साथ ही वह मीडिया साथी किसी भी संगठन से जुड़ा हो, यदि हम एकजुट रहेंगे तो निश्चित ही जीत होगी। मध्य प्रदेश संघ प्रदेश शासन के प्रदेश के पत्रकारों पर फर्जी शिकायतों पर बने केसों को वापस लिए जाने की मांग भी करता है। होने वाले मध्य प्रदेश मीडिया संघ पत्रकार सम्मान समारोह की जानकारी भी दी। इस दौरान संभागीय अध्यक्ष अमित राठौड़ उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।